भजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो कृपा करो कृपा करो हे प्रभु, नाम तेरा हो छुपे सदा, दिल चाहता है दर्शन तेरा। नाम तेरा हो छुपे सदा, दिल चाहता है दर्शन तेरा। सुन ले हमारी आए शरण, तुझसे मिला है प्रभु ये जीवन। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो कृपा करो कृपा करो हे प्रभु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। जय यीशु। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम इस मिसा में भाग ले रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और इसलिए भी सौभाग्य है कि हमने वास्तव में प्रभु के बारे में सुनकर रखा था। आज विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने भीड़ में उन सारे लोगों को चंगाई दी जो आपके आसपास थे, आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी को चंगाई दे। आप सभी के निवेदनों को मैं विशेष रूप से इस पवित्र वेदी पर लाता हूँ, आप सभी की प्रार्थनाओं को इस पवित्र वेदी पर लाता हूँ और प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। आइए अपने निवेदनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम इस मिसा में भाग लें। एक बार और हम प्रभु के पास में आए, अपने पापों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे। वे सारी बातें, वे सारे शब्द जो हमने हमारे व्यवहार के द्वारा प्रकट किए हैं, जिसके चलते हमारे रिश्ते आपस में टूट गए हैं, हम एक दूसरे से और प्रभु से दूर चले गए हैं, आइए प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि हम योग्य रीति से इस पावन यज्ञ में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है, अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र
अध्याय 7 पद संख्या 25 से अध्याय 8 पद संख्या 6 तक। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने अपने को एक ही बार बलि चढ़ाया। जो लोग यीशु के द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं, वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का महायाजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य महायाजक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते थे। यीशु को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर दिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र महायाजक नियुक्त किया जाता है, जो सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। इन बातों का सारांश यह है, हमारा एक ऐसा प्रधान याजक है जो स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन के दाहिने ओर विराजमान होकर उस वास्तविक मंदिर तथा तंबू का सेवक है, जो मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि प्रभु द्वारा संस्थापित है। प्रत्येक महायाजक भेंट और बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त है, इसीलिए यह आवश्यक है कि उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ हो। यदि यीशु अब तक पृथ्वी पर रहते तो वह याजक भी नहीं होते, क्योंकि संहिता के अनुसार भेंट चढ़ाने के लिए याजक विद्यमान है। यद्यपि वे एक ऐसे मंदिर में सेवा करते हैं जो स्वर्ग की वास्तविकता की प्रतिकृति और छाया मात्र है। यही कारण है कि जब मूसा तंबू का निर्माण करने वाले थे तो उन्हें ईश्वर की ओर से यह आदेश मिला, सावधान रहो कि जो नमूना तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया उसी के अनुसार तुम सब कुछ बनाओ। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वह एक ऐसे विधान के मध्यस्थ है जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, हे प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। हे प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान, इसीलिए मैंने कहा देख मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य, हे प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूँ। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है, तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। अनुवाक्य, हे प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया, हे प्रभु तू जानता है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। अनुवाक्य, हे प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। जो तुझे खोजते हैं वे आनंदित और प्रफुल्लित हो उठे, जो तेरी सहायता की राह देखते हैं वे यह कहते जाएं प्रभु महान है। अनुवाक्य, हे प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। जय घोष, अल्लेलुया। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। अल्लेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उसके पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, यर्दन के उस पार और तिरुस तथा सिदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जिंदगी में कोई इत्तफाक नहीं होता है, कोई चीज अचानक से नहीं होती है। हम जो भी करते हैं वो हमारे मन में, हमारे जीवन में चलता रहता है। एक प्रिंसिपल है जिसके बारे में आपसे मनन चिंतन करना चाहूँगा, फेमिलियरिटी प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम साइकोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं। मैं आपसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। व्यक्ति के जीवन में वही घटित होता है जिसके बारे में वह सोचता रहता है, जिसके बारे में वह फेमिलियर रहता है। व्यक्ति उसी संगति में जाता है जिसके बारे में या तो उसने सुन रखा होगा या उसको बारे में वह जानता है। इसको बोलते हैं फेमिलियरिटी प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन। व्यक्ति उसी की ओर अट्रैक्ट होता है जिसके बारे में वह सुन कर रखा है। हमें से बहुत सारे लोग क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं? हमें से बहुत सारे लोग क्यों एडिक्शन में चले जाते हैं? हमें से बहुत सारे लोग क्यों वास्तव में गलत संगति में चले जाते हैं और घर वाले शिकायत करते हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं था, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, अचानक से उसको ये एडिक्शन कैसे लग गया? आपसे कहना चाहूँगा कि आपका बेटा या आपकी बेटी जिस संगति में है, जिस एडिक्शन में है, उसके बारे में उसने बहुत पहले से सुन कर रखा था। उसके बारे में वो कब से खोज कर रही थी, वह इंटरनेट पे उसके बारे में पढ़ रही थी या पढ़ रहा था, वह इंटरनेट या यूट्यूब या फेसबुक पर उस पर रिसर्च कर रही थी, और जिसके चलते आज उसका यह हश्र न होता है। आज अपने आप से पूछें, मैंने किसके बारे में सुनकर रखा है? आज के सुसमाचार में हम पाएंगे कि वही लोग प्रभु से चंगाई प्राप्त करते हैं जो उसके आगे पीछे घूम रहे थे। और सुसमाचार कहता है उन लोगों ने प्रभु के बारे में सुन कर रखा था, उन लोगों ने प्रभु की चर्चा सुन कर रखी थी और उनके मन में एक भाव था कि हम उसको देखना चाहते हैं जिस प्रकार से जकियुस देखना चाहता था, जिस प्रकार से यरीको के उस रास्ते के किनारे वो अंधा बैठा हुआ था, उस किनारे पर बैठा हुआ था, उस रास्ते पर बैठा हुआ था जहाँ से यीशु निकलने वाले थे। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, मुसीबत किसके जीवन में नहीं आती है? परेशानी किसके जीवन में नहीं आती है? पारिवारिक समस्याएं किस परिवार में नहीं होती है? हम सभी के जीवन में ये आना स्वाभाविक है और संभव है। पर जब हमारे व्यक्तिगत जीवन में परेशानी आती है, बीमारी आती है, समस्याएं आती है, तो मैं किसके पास में जाता हूँ? मैं अपने जीवन में शांति पाने के लिए किन दोस्तों की खोज करता रहता हूँ? किस जगह पर मैं चले जाता हूँ? आज अपने आप से ज़रूर यह प्रश्न पूछिएगा। आप उसी जगह पर जाएंगे जिसके बारे में आपने सुन कर रखा है,
आप ऐसे ही लोगों से मिलेंगे जिसके बारे में आप सोच रहे थे, और इस तरह आपका जीवन उन्हीं लोगों के समान हो जाएगा जिसकी संगति में आप हैं। आज प्रभु की संगति में रहें, प्रभु के बारे में सुने, प्रभु के बारे में पढ़ें और उसके सानिध्य में जीवन यापन करें। जितना करीबी जीवन आप प्रभु के साथ में बिताएंगे, उतना ही आप प्रभु के पास में आएंगे, और जब आप प्रभु के पास में आएंगे, प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको आशीष देगा, आपका जीवन प्रभुमय हो जाएगा। तो आइए इसी भरोसे के साथ में, इसी निवेदन के साथ में हम आज की मिसा में भाग लें, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का आशीर्वाद सदा हमारे घर में, परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में बना रहे। कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारे मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुखभोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर,
स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने, और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
आए हम सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें, सबों को ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नव जीवन की कृपा प्रदान की है, तेरे इस उपहार के लिए हम सदा तेरी महिमा करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का राह। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आंखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, कर मिला है जीवन में।
तुझको शांति।